ओके गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मेड बाय, मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, मेड इन, मेड अप ऑफ के यूज को। तो सबसे पहले हम पहले मेड बाय को देखते हैं। इसका यूज करते हैं हम के द्वारा बना, किसी पर्सन या कंपनी द्वारा जब कोई चीज बनाई जाती है तो उसके लिए हम मेड बाय का यूज करते हैं। और सेकंड है मेड ऑफ, मतलब का बना, कि किस चीज का बना है। ओके, और थर्ड है मेड फ्रॉम, किस चीज से बना है। मेड इन, कहाँ में बना है। ओके, किस स्थान पर बना है, मतलब प्लेस के लिए। और मेड अप ऑफ, एक से अधिक वस्तुओं का इस्तेमाल करके बना है या व्यक्तियों का इस्तेमाल करके बना है। ये आप एग्जाम्पल समझेंगे। सबसे पहले एक सेंटेंस देखिए और इसे समझिए कि इसमें से कौन सा सही है। यह मेज लकड़ी से बना है। इसका ये हो सकता है, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, या मेड फ्रॉम वुड, या मेड बाय वुड, या मेड इन वुड, या मेड अप ऑफ वुड। इसमें से सही कौन सा है, आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। और आप लोग दिमाग में सोच सकते हैं और रख सकते हैं दिमाग में कि इसमें से कौन सा सही हो सकता है। ओके, आइए तो अब आगे जानते हैं। देखिए, मेड बाय का यूज करते हैं के द्वारा बना, मतलब पर्सन या कंपनी के द्वारा। ओके, जैसे कि है, यह मोबाइल सोनी कंपनी का है, या हम कहें यह मोबाइल सोनी कंपनी ने बनाया है, या हम कहें ये मोबाइल सोनी कंपनी द्वारा बनाया गया है। इन सब का मतलब एक ही है। देखिए, दिस मोबाइल इज मेड बाय सोनी कंपनी। तो हमने मेड बाय का यूज किया क्योंकि यहाँ पर एक कंपनी का नाम लिया जा रहा है, सोनी कंपनी। ओके, ये पुस्तक मैंने बनाई है। दिस बुक इज मेड बाय मी, मेड बाय मी, मेड बाय का यूज हुआ क्योंकि यहाँ पर पर्सन की बात हो रही है, पर्सन की। ओके, अगर हम कहें ये किताब आपने बनाई है तो दिस बुक इज मेड बाय यू। आप लोग समझ गए मेड बाय के यूज को। ओके, आइए आप मेड ऑफ के यूज को समझते हैं। मेड ऑफ, जब बनने के बाद वस्तु की अवस्था में कोई बदलाव ना हो, जैसे कि ये मेज लकड़ी से बना है, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, और इसी प्रकार से दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ये अंगूठी सोने की बनी है, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, ये घर ईंटों का बना हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझा दूं, लकड़ी का टेबल है, तो टेबल बनने के बाद लकड़ी तो लकड़ी ही रही, लकड़ी कोई लोहा तो नहीं बन गई। ओके, और यहाँ पर दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ये अंगूठी सोने की बनी है, तो सोने की अंगूठी बनने के बाद अंगूठी तो सोने की ही रही, लोहा तो नहीं बन गई। ओके, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, मतलब कि जो मकान है वो ईंटों का बना है, तो जो ब्रिक्स है, जो ईंटे हैं, वो घर बनने के बाद किसी और चीज में तो नहीं बदल रहे हैं कि वो लोहा बन गए ईंट। ओके, ईंट तो ईंट ही रहेगा। तो यही है, जब बनने के बाद वस्तु की अवस्था में कोई बदलाव ना हो या रूप में कोई बदलाव ना हो। आसान शब्दों में आपको समझाऊं, देखिए अब मेड फ्रॉम का यूज, जब बनने वाली वस्तु का रूप या अवस्था बदल जाए। देखिए, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, जो मक्खन है, जो बटर है, वो मिल्क से बनता है। ओके, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, जो दही है वो भी मिल्क से बनती है, दूध से। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताऊं, दूध से जब बटर बना तो क्या बटर को हम दूध कहेंगे? नहीं ना, क्योंकि वो उसने अपना पूरा रूप बदल लिया। जब दूध से दही बनी, दही को दूध कहेंगे? नहीं, क्योंकि उसने पूरा रूप बदल लिया है, उसने कुछ घंटे बिताए, उसे गर्म करके रखा जाता फ्रिज में, उसने मतलब किसी प्रकार से अपना रूप बदल लिया है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, चेयर है वो लकड़ी की बनी है, तो हमने मेड ऑफ का यूज किया। ओके, इसी प्रकार से देखिए, वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, तो ग्रेप्स जो है, अंगूर जो है, उनसे वाइन बनी, तो अंगूर जो है वो वाइन में बदल गए।
अब आप कहीं पर जाके ये तो नहीं बोलोगे वाइन, अगर आप लोगों को खरीदनी है तो आप ये तो नहीं बोलोगे मुझे अंगूर दो, आप बोलोगे मुझे वाइन चाहिए। ओके, समझ रहे होंगे आप। द पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, जो पेपर होते हैं वो लकड़ी से बनते हैं, कपास की। ओके, यहाँ पर भी जो लकड़ी है वो पेपर में बदल जा रही है, तो हम पेपर को लकड़ी तो कह नहीं सकते। ओके, तो ये है कि जब रूप बदल जाता है तो वहाँ पर हम मेड फ्रॉम का यूज करते हैं, और जब रूप नहीं बदलता है जैसे कि लकड़ी, तो लकड़ी ही रहेगी चेयर बनने के बाद, तो हम वहाँ पर मेड ऑफ का यूज करते हैं। आइए थोड़ा डिटेल में मैं इसके बारे में और बताऊँ आपको। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि मेड ऑफ और मेड फ्रॉम का यूज एक दूसरे की जगह भी हो सकता है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम जान लेते हैं मेड इन के बारे में। मे बना, या किसी स्थान में बना कह सकते हैं हम। ओके, आइए देखते हैं। देखिए, ये मोबाइल भारत का है, या ये मोबाइल भारत में बना है। हम कहेंगे दिस मोबाइल इज मेड इन इंडिया, तो यहाँ पर हमने मेड इन इंडिया किया, क्योंकि भारत एक देश है, एक जगह है। ओके, देखिए, ये सभी बैटरी चाइना में बनी है। ऑल दीज बैटरीज आर मेड इन चाइना, या ये सभी बैटरीज चाइना की हैं। ओके, तो हमने मेड इन का यूज किया क्योंकि हम एक देश की बात कर रहे हैं, एक स्थान की बात कर रहे हैं। अगर हम ये कहें कि ये सभी बैटरीज दिल्ली में बनी है, तो हम कहेंगे ऑल दीज बैटरीज आर मेड इन दिल्ली, दिल्ली भी एक स्थान है, एक सिटी है। ओके, इस प्रकार से आप मेड इन का यूज कर सकते हैं। देखिए, इन सभी प्राचीन मूर्तियों को 1988 में भारत में बनाया गया था। All these ancient sculptures were made in India in 1988. यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, मूर्तियों को sculptures कहते हैं, इसे आप लोग sculptures मत पढ़िएगा, sculptures। ओके, ये गलत है, इसका सही है sculptures, sculptures। ओके, इस प्रकार से were made in India in 1988. अब देखते हैं हम मेड अप ऑफ का यूज, एक से अधिक से बना। देखिए, ये पैन प्लास्टिक और लोहे का बना है। ओके, और सेकंड हम कह सकते हैं इसे, ये पैन एक ही चीज है। दिस पैन इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड आयरन, तो यहां पर हमने मेड ऑफ का भी यूज नहीं किया, मेड फ्रॉम का भी यूज नहीं किया, हमने किया मेड अप ऑफ का यूज। तो यही मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, एक से अधिक चीजों से जब बनता है कोई या कोई चीज बनती है, जैसे कि ये पैन बना है प्लास्टिक और लोहे से। ओके, किसी एक वस्तु से नहीं बना, दो वस्तुओं से मिलकर बना है, तो हमने कहा मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड आयरन। एक फुटबॉल टीम 11 खिलाड़ी से बनी होती है। अ फुटबॉल टीम इज मेड अप ऑफ 11 प्लेयर्स, तो आप लोग समझ गए मेड ऑफ का यूज कब करना है, मेड फ्रॉम का यूज कब करना है, मेड इन का यूज कब करना है। ओके, और मेड बाय का यूज कब करना है। आइए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था वहीं पर दे चलता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं एक और चीज आपको बताने वाला हूँ, ये ध्यान रखिए, यह मेज लकड़ी से बना है। इसमें से जो ये और ये वाले सेंटेंस है, ये दोनों सही है, और ये जो ये है मेड बाय वुड, मेड इन वुड, मेड अप ऑफ वुड, ये तीनों रॉन्ग सेंटेंसेस है। ओके, ये दोनों सही है। देखिए, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, ये टेबल लकड़ी का बना है। दिस टेबल इज मेड ऑफ मेड फ्रॉम वुड, ये टेबल लकड़ी से बना है। ओके, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जो अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो यहाँ पर फ्रॉम का यूज नहीं होगा, लेकिन जो हम स्पोकन इंग्लिश में बात करते हैं, जो आजकल कन्वर्सेशन में चल रहा है, ओके, उसके मुताबिक ये दोनों सेंटेंस यूज होते हैं। दिस टेबल मेड फ्रॉम वुड भी कह सकते हैं, मेड ऑफ वुड भी कह सकते हैं, ऑफ की जगह हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए। ओके,
लेकिन अगर बात होती है कंपैरिजन की, मतलब तुलना करने की या डिफरेंसेस खोजने की, तो हम वहां पर पता लगा सकते हैं कि मेड ऑफ का यूज कहाँ होता है और मेड फ्रॉम का यूज होता है जब एक चीज दूसरी अवस्था में बदल जाती है, एक वस्तु अपनी अवस्था बदल लेता है, दूसरी अवस्था में वो प्रवेश कर जाता है। ओके, जैसे दूध से दही बन जाता है तो हम वहाँ मेड फ्रॉम का यूज करते हैं, और जैसे कि लकड़ी से चेयर बनती है या टेबल जो लकड़ी का बना है, तो यहाँ पर मेड ऑफ का ही यूज हुआ, जाहिर सी बात है। ओके, सिर्फ डिफरेंसेस खोजने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है, और बाकी स्पोकन इंग्लिश में इन दोनों का ही यूज सही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, या आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो कृपया करके लाइक करें और कमेंट करें अगर कोई कंफ्यूजन है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।